आखिरकार विशाली टक्कर का हत्यारा राहुल नवलानी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जी हां, 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अब राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राहुल नवलानी को पकड़ने के लिए इंदौर पुलिस ने एक तगड़ा प्लान बनाया था। राहुल और उसकी पत्नी की तलाश के लिए पुलिस ने 3 अलग अलग टीम बनाई और उन टीमों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने के बाद अलग अलग राज्यों में रवाना कर दिया गया, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगने दी थी। वेल, राहुल की गिरफ्तारी के बाद अब पता चला है कि पुलिस से बचने के लिए राहुल अलग अलग जगहों पर छिप रहा था। वैशाली के सुसाइड के बाद से ही वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था ताकि वो पुलिस के हत्थे ना चढ़ सके। वो एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक रहा था। पुलिस के मुताबिक राहुल इंदौर और देवास के बीच कहीं ढाबों में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने राहुल को पकड़ने के लिए लगातार टेक्निकल सर्विलांस जारी रखा और आखिरकार बुधवार शाम को ही पुलिस को खबर मिली कि राहुल देवास से इंदौर की ओर जा रहा है। बस फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत ही रास्ते में चेकिंग प्वाइंट लगाए और राहुल को धर दबोचा। जाहिर तौर पर अब जब ये हैवान पकड़ा जा चुका है तो पुलिस भी हवालात में इसकी अच्छे से खैरियत लेने वाली। राहुल से पुलिस तगड़ी पूछताछ करेगी और विशाली की मौत से जुड़े एक एक पहलुओं को लेकर राहुल से कड़ी पूछताछ होगी। बता दें कि राहुल को पकड़ना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था। पुलिस ने 3 टीमें राहुल और उसके परिवार को पकड़ने के लिए बनाई। ये तीनों टीमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भेजी गई। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सर्कुलर नोटिस भी जारी किया था और साथ ही 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। पुलिस ने ऐलान करते हुए कहा था कि जो भी इन आरोपियों के बारे में जानकारी देगा उसे 5,000 का इनाम मिलेगा और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि राहुल की पत्नी दिशा अभी भी फरार है। बता दें कि DCP जोन अमित तोलानी ने बताया कि आरोपी राहुल नवलानी और उनकी पत्नी दिशा पर IPC की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस वैशाली टक्कर के 5 पन्नों के सुसाइड नोट के आधार पर किया गया था। राहुल पर वैशाली को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप था। ये भी बताया गया है कि उसने वैशाली की मितेश से शादी भी तोड़वा दी थी और इससे पहले भी उनका रिश्ता जो टूटा था वो राहुल की वजह से ही टूटा था। मतलब राहुल पकड़ा जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि उसका बाकी का परिवार भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। ऐसे में अब देखने वाली बात तो ये है कि इस हैवानियत से भरे इंसान को लेकर कानून क्या फैसला सुनाता है।